नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के ऑडियो प्रोडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूं अली खान तरीन। और आज के इस लेसन में हम इफेक्ट्स मेन्यू पे बात करेंगे और इफेक्ट्स मेन्यू में सेंसर के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गोल्ड वेव में इफेक्ट्स मेन्यू में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा और उसके बाद मुख्तलिफ इफेक्ट्स के ऑप्शन मौजूद होंगे। और आज के इस लेसन में हम सेंसर के हवाले से बात करें और हम थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन देंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि सेंसर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो सेंसर अप्लाई करने से पहले हमें कोई फ़ाइल ब्राउज़ करनी होगी ताकि हम उस पर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल ब्राउज़ कर लेता हूँ। सो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर ब्राउज़ कर ली है और इसको मैं प्ले करके इसका कुछ ऑडियो का हिस्सा सेलेक्ट कर लूंगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान मैंने ये ऑडियो सेलेक्ट की है और इसको मैं सेंसर करना चाहता हूँ। तो सेंसर से मुराद, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी ऑडियो को सेंसर करना यानी कि ऑडियंस तक ना पहुंचाना, आपने अक्सर देखा भी होगा टेलीविज़न पे फिल्मों में कि ऐसी बात जो ऑडियंस तक नहीं पहुंचाना चाहते उसमें या तो बीप आ रही होती है या फिर वो म्यूट हो जाती है। तो हम भी देखते हैं कि हमारे पास सेंसर के क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं गोल्ड वेव में। ऑल्ट सी में प्रेस करूँगा इफेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सेंसर का ही है, इस पर एंटर करूँगा। So presets हमारे पास मौजूद हैं इसमें ऑलरेडी। अगर हम चाहें तो खुद भी कोई प्रीसेट ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस वक्त हम जो अवेलेबल प्रीसेट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Beep. सबसे पहले हमारे पास बीप मौजूद है और बीप नाम से ही वाजह है कि एक बीप सुनाई देगी आपको। इसको हम प्रीव्यू भी लेके देख लेते हैं। F4 प्रेस करूंगा। Default. इसके बाद डिफॉल्ट है। Gibberish. उसके बाद हमारे पास जिब्रिश है। जिब्रिश से मुराद ये है कि आपकी ऑडियो के वो अल्फाज थोड़े से मिक्स करके आपको सुनाई देंगे, यानी कि ना वो समझ आएंगे कि अल्फाज क्या हैं और वो कुछ हिस्से को वो रिवाइंड कर देगा, कुछ हिस्से को वो फॉरवर्ड कर देगा। प्रीव्यू लेके देख लेते हैं। तो आपने देखा कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी, जो ऑडियो हमने सेलेक्ट की थी, वो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आई। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लो टोन है, म्यूट है, ओवरराइड विद क्लिपबोर्ड है, क्वाइट बज, सायरन, स्टैटिक ओवरले। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। म्यूट से मुराद ये है कि ऑडियो को बिल्कुल म्यूट कर देगा, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लो टोन एक हल्की सी टोन सुनाई देगी। सायरन से मतलब ये है कि आपको एक सायरन सुनाई देगा। तो ये तो है ऑप्शन, इनमें से कोई एक प्रीसेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। Siren, quiet bus, override with clipboard, quiet bus, mute, override with quiet bus, mute, low tone, gibberish. Gibberish हम सेलेक्ट कर लेते हैं, टैप प्रेस करते हैं। Presets, add preset button to activate, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें प्रीसेट्स ऐड भी कर सकते हैं, तो ये वो ऑप्शन है जहाँ से हम प्रीसेट्स ऐड कर सकते हैं। Presets, remove, preset button to activate, press space bar. यहाँ से प्रीसेट्स को रिमूव किया जा सकता है। Preview button to activate, press space bar. यहाँ से फाइल को प्रीव्यू किया जा सकता है। F4 प्रेस करके भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। Stop button to activate, press space bar. यहाँ से प्रीव्यू स्टॉप किया जा सकता है। F8 प्रेस करके भी आप प्रीव्यू स्टॉप कर सकते हैं। Okay button to activate, press space bar. Once you're done with the effects, तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ओके नहीं करेंगे, कुछ और ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। Cancel button, help button, sensor type colon, combo box, gibberish to change the selection, use the arrow keys. Sensor type जो है वो gibberish हमने select की है।
Sensor volume left parent DB right parent colon edit combo 0.00 to set the value. Use the arrow keys or type the value. सेंसर वॉल्यूम, इससे मुराद ये है कि जो इफेक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या होगी। अच्छा, इसमें -60 जो कि लोएस्ट इफेक्ट्स की वॉल्यूम होती है और 0 जो कि हाईएस्ट यानी कि फुल वॉल्यूम होती है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो से या वैल्यू टाइप करके। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 1, 0, sensor volume, left parent DB, right parent colon, edit combo, to set the value, use the arrow keys or type the value. So, मैंने इसको -10 कर दिया है. Sensor volume, left parent DB, right parent colon, edit combo, -10, to set the value. Source volume, left parent DB, right parent colon, edit combo, -60.00. Source volume से मुराद ये कि जो audio आपने select की हुई है, उसकी volume क्या हो, जब ये effect आप apply कर रहे हो, तो ये -60 है, यानी कि सोर्स वॉल्यूम बिल्कुल साइलेंट होगी, बिल्कुल म्यूट होगी और होनी भी चाहिए। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रीसेट्स एडिट कॉम्बो जिब्रिश टू सेट द वैल्यू यूज द एरो कीज और टाइप द वैल्यू। प्रीसेट्स जो है वो जिब्रिश है। प्रीसेट्स एट प्रीसेट बटन टू अब हम इसको ओके कर देते हैं। प्रीव्यू बटन स्टॉप ओके बटन टू एक्टिव स्पेस गोल्ड वेव द ओपन फाइल इज DLP वॉइस ओवर डॉट वाव। प्ले करते हैं। आपने देखा कि जिब्रिश जब हमने अप्लाई किया तो अल्फाजों को मिक्स कर दिया जो समझ नहीं आए, तो हम एक और कोई इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, तो हम इस पे सेंसर अप्लाई करते हैं। Alt C menu, application menu, enter, limit menu, beep, default, gibberish, low tone. और इस दफा हम siren अप्लाई करते हैं। Mute, override with quiet button, siren. Preview ले लेते हैं। Start preview. Presets add preset button to, presets remove preset, preview button to add, stop button to, okay button, cancel, help button. Sensor type colon combo box siren to sensor volume left parent DB right parent colon edit combo -6.02 to set the value. -6.02 है volume. इसको हम थोड़ा और कम कर देते हैं। मैं -30 कर देता हूँ इसको. 3 sensor 0 sensor volume left parent DB right parent colon edit combo -30 to set source volume left parent DB right parent colon edit combo -60.00. Source volume को हम as it is रहने देंगे. Crossfade time colon edit combo 0.01 to set the value. Use the arrow keys or type the value. अच्छा, crossfade time से क्या मुराद है? Crossfade time से मुराद ये है कि जब भी आप कोई effect apply कर रहे हो, तो उस effect से पहले audio fade out हो जाए और वो effect जैसे ही खत्म हो तो audio fade in हो जाए. Preset. Crossfade time colon edit combo 0.01. तो इसका जो level है वो 0.01 है. Crossfade time colon edit combo 0.01. तो इसको हम as it is रहने देते हैं. Preset. Preview. Stop. Okay button to act. तो अब हम okay कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि जो हमारे effects हैं वो किस तरीके से apply हो रहा है. Enter gold wave. The open file is DLP voiceover. The total playing time is learning for the visually impaired. Nay Subha is offering distant learning program DLP. So आपने देखा कि ये हमने siren apply किया था और ये siren successfully apply हो गया। तो I hope कि आपको effects menu में sensor अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप अपने audio में apply भी करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का lesson अपने अख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।